नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा है मिसिंग नंबर में, वो टाइप वन को हमने कंप्लीट किया है और अब हम जो टाइप वन से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच डालते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, वो सब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की। और वो ही है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। और आप जितने आप दोस्तों के बीच इसको शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जरूर बताइए, ठीक है। और चलिए, पढ़ा तो रही है, थोड़ा सा ये होता है कि कभी कभी वीडियो के बीच आने में ब्रेक लग जाता है, तो उसका भी रीजन है दोस्तों, बार बार नहीं बताया जाता। लेकिन जितना मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सिलेबस करवाया जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए, एक बार थोड़ा सा वीडियो का देख लेते हैं, प्रॉपर चल रहा है, ओके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखते हैं क्वेश्चन को, ये प्रीवियस क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है सीजीएल का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो दोस्तों, जब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप कैसे मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करेंगे? लैंग्वेज वही है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करें। यहां पर कोई संख्या आनी है और इस तरीके से एग्जामिनर ने, मैंने एग्जैक्ट ऑप्शंस लिए हैं जो एग्जामिनर ने रखे थे, ठीक है, 27, 25, 26 और 23, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप इस सवाल को देखते हैं, देखिए यहां पर कई एंगल्स हैं क्वेश्चन को करने के। जब भी सर्किल का क्वेश्चन आता है तो उसमें हो सकता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है कि अपोजिट नंबर्स का हो, ठीक है, हो सकता है स्क्वायर का सारा ले रखा हो सकता है क्यूब का सारा ले रखा हो, कुछ भी संभव है। यहां देखिए कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर मैं करा दूं आपको कि यहां पर देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन लेकर के क्वेश्चन हो गया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में क्लॉकवाइज रोटेशन ही आना है। ये तो तरीके हैं जो हमें सीखने हैं, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देता है आपको, ठीक है, हमसे क्या डिमांड करता है। तो तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट। हमें क्या है कि भाई अगर क्वेश्चन आता है, मान लो सर्किल का क्वेश्चन आता है सर्किल में, जैसे इसमें क्वेश्चन आया है, तो भाई हमें सारे तरीके पता होने चाहिए, क्लॉकवाइज कैसे रोटेशन लेता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेशन लेता है, अपोजिट नंबर्स का क्या गेम है, ठीक है। उसके अलावा स्क्वायर्स कैसे होते हैं, क्यूब कैसे होते हैं, किस तरीके से यहां पर लॉजिक बनते हैं, प्राइम नंबर्स बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यही तरीके हैं, इससे ज्यादा वो क्या पूछेगा वो, तो हमें सारे तरीके आने चाहिए। हो सकता है कि यहां पर कोई और तरीका लगा रखा हो, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर कोई और तरीके की डिमांड कर ले आपसे, तो ये संभव है। लेकिन आप जो कंसेप्ट है उसको समझिए। कंसेप्ट देखिए दोस्तों, जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो देखिए पांच के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करता हूं तो मैं एक बार नंबरों को जरूर देखता हूं कि नंबर कहां पर लाई कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे 5 है 10 है, फिर यहां तो हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना ही है, फिर इधर 50 है, फिर 122 है। तो दोस्तों, जैसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज रोटेशन लगाने की कोशिश करता हूं तो देखिए, जब मैंने 5 को 2 से गुणा किया तो मुझे 10 मिल गया, यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आगे क्या करूं भाई, आगे मैं क्या करूं? क्लॉकवाइज रोटेशन होता है घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन होता है घड़ी की दिशा, जो है आप देख सकते हैं आपकी घड़ी चल रही होगी घर में, वो कैसे घूमती है, वही क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब नाम में छिपा हुआ है कि घड़ी की एंटी मतलब विपरीत है ये, क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक है जिस डायरेक्शन में चलती है उसके एंटी है, उसके विपरीत है। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है।
तो आप इन जो टर्म है इनको भी समझते हुए चलिए साथ साथ, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है उनके लिए तो अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, अब मैं यहां पर किस संख्या से यहां पर गुणा करूं कि मुझे यहां पर मिसिंग नंबर मिले, फिर मेरे पास देखिए आगे भी मुझे गुणा करना पड़ेगा और यहां पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब मैं संख्या को गुणा करता हूं, 50 से मैं 122 लाना चाहता हूं, तो मुझे 2 से जब मैं उसको गुणा करता हूं, क्योंकि मैंने देखिए यहां 2 से ही गुणा करके लाया हूं, तो अगर मैं यहां भी 2 से गुणा करता हूं तो मेरे को मिलता है 50 को जब आप 2 से गुणा करते हैं तो मिलता है 100। ठीक है, 100 जब आप देखते हैं तो यहां आपकी डिमांड कितने की है, 122 की है, तो पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो फॉलो नहीं हो रहा है, कोई और तरीका यहां पर अप्लाई हो रखा होगा। ठीक है, तो जब आप दोस्तों इन नंबर्स को देखते हैं, देखिए आपकी जब धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस मैं आपकी बहुत अच्छे से करा दूंगा, ठीक है, इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आप खुद थक जाओगे, सर क्वेश्चन रहने दो, कोई और नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, इतने क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है यार अपने पास, ठीक है, बस करने वाला चाहिए और कराने वाला चाहिए। ठीक है, अब चार्ली काटने वाला अलग तरीका होता है, और कुछ जिसके अच्छा ही है कि मुझे कराना है अच्छे से चीजें, तो वो उसका एक अलग मेथड है, जैसे मेरा है। ठीक है, मुझे किसी का चार्ली नहीं काटना। ठीक है, जो भी वीडियो मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा और बढ़िया जो कंटेंट है उसके साथ मिलेगा, ऐसे नहीं कि फर्जीवाड़े में कुछ भी बोल रहे हैं, बक रहे हैं, इनको पता ही नहीं, खुद को भी नहीं पता कि क्या बका जा रहा है। ठीक है, सुनने वाले सुन रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं होगा अपने साथ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कंटेंट को लेकर मैं बहुत काम करता हूँ। ठीक है, कि क्या मुझे सेलेक्ट करना है, किस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, किस क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं करना है, क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता है कि मुझे पढ़ाना क्या है, तो आप जो मिलेगा उसको प्रगट दो भी पढ़ा के, उससे क्या फायदा मिलेगा। एक सिस्टमेटिक वे में जो पढ़ाई होती है गेन वहीं से होता है। ठीक है, चलिए फालतू बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें आप, हो जाती है कभी कभी। ठीक है, जब मैं दोस्तों आपसे बात किया मैंने कि आप क्लॉकवाइज रोटेशन लगाएंगे तो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज भी देखिए, 5 से 122 पर आना या 122 से 50 पर आना, ठीक है, तो ये भी फिट नहीं बैठेगा। तो फिर सर करें क्या, जब दोस्तों आप इन नंबर्स को ध्यान से देखिए एक बार, 5, 10 यहां तो पता नहीं क्या आएगा, 50, 122 ये स्पेशल नंबर्स की कैटेगरी में है ये नंबर। ठीक है, ये नंबर जो है स्पेशल नंबर्स जो है हमारे स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, उनके आसपास मंडरा रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे 2 का वर्ग 4 है लेकिन 5 है यहाँ पर। मतलब भाई मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही आपको स्क्वायर मिलेगा या हमेशा ही क्यूब मिलेगा, ऐसा नहीं है, उसके इर्द गिर्द दो चार जोड़ करके, दो चार घटा करके भी नंबर आपको मिल सकता है, तो आप उनको एज ए स्पेशल नंबर ही काउंट करें। ठीक है, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली देखिए लॉजिक लगना वही है। आप देखिए 4 के पास 5 बैठा है, 9 के पास 10 बैठा है, 49 के पास 50 बैठा है, 122 के पास 121 बैठा है। आप खुद दिमाग लगाइए कि यहां पर स्क्वायर होना तय है, एग्जामिनर खुद बोल रहा है नंबर्स के माध्यम से कि आप स्क्वायर का सारा लीजिए यहां पर। अब स्क्वायर का सारा तो ले, आपको आपने ये भी पकड़ लिया कि मुझे स्क्वायर का सारा लेना है, क्योंकि आपने देखा कि ये सबके सब नंबर्स कहीं ना कहीं स्क्वायर वाले नंबर जो है उनके पास में आ रहे हैं। तो ये तो कंफर्म कर लिया आपने कि स्क्वायर करेंगे, लेकिन स्क्वायर करेंगे किन नंबर्स का, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो आप देखते हैं कि जब आप 2 का वर्ग करते हैं दोस्तों, उसमें 1 जोड़ते हैं तो मिलता है 5, ठीक है, इस मार्कर की पत्ती गुल हो गई है, नया लगना पड़ेगा भाई है दोस्तों। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों कि आप 2 का वर्ग करते हैं, देखिए यहां से देखते हैं 2 का वर्ग प्लस जब आप दोस्तों 1 करते हैं तो आपको मिलता है कितना, 2 का वर्ग देखिए 4 होता है, और जब आप उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 5, और 5 ही आपकी क्या है, डिमांड है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप दोस्तों यहां पर देखिए 3 का वर्ग करते हैं और फिर उसमें 1 जोड़ते हैं तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस आपने 1 ऐड किया तो मिला 10, और 10 ही आपकी डिमांड है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये नंबर आपको खुद को जज करने पड़ेंगे कि ये नंबर स्क्वायर के नजदीक है, क्यूब के नजदीक है,
अगर स्क्वायर के नजदीक है तो मुझे स्क्वायर पर शिफ्ट होना चाहिए, मुझे अगर क्यूब के नजदीक है तो मुझे क्यूब पर शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपका जजमेंट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि ये 50 कैसे आया। 50 आया, 7 का वर्ग किया हमने, उसमें एक जोड़ा। 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49 × 49 + 1 यानी कि 50। 50 और यहां पर 122 कैसे आया, 11 का वर्ग किया प्लस 1 किया, ठीक है। 11 का वर्ग किया दोस्तों और उसमें एक जोड़ा, तो 11 का वर्ग होता है 121 और उसमें एक जोड़ेंगे तो आएगा 122, ठीक है। और 122 ही हमें चाहिए। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर कर रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए यहां पर 2 है, यहां 3 है, यहां पता नहीं क्या लेंगे, लेकिन यहां 7 है और 11 है। तो ये तो कंफर्म है कि यहां एक सीरीज के जो भी हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम पर्टिकुलर नंबर उठा रहे हैं, उसका वर्ग कर रहे हैं और उसमें एक जोड़ रहे हैं, इतना ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ चैलेंज जो है वो ये है कि मैं 2 के बाद यहां देखिए 3 आया है, तो मैं 4 का वर्ग करूं या कोई और नंबर का वर्ग करूं। क्योंकि देखिए अगर सीक्वेंस चलता तो देखिए यहां पर दोस्तों कभी भी 7 से और 11 पर शिफ्ट नहीं होता। 7 के वर्ग से 11 के वर्ग पर शिफ्ट होता क्या, वो आप खुद सोचिए। अगर एग्जामिनर को सीक्वेंस ही चलाना रहता, एग्जामिनर आपसे सीक्वेंस की ही डिमांड करता, तो क्या वो ऐसा करता? ठीक है भाई, ठीक है। आप ये देखिए कि अगर एग्जामिनर आपसे एक कंटिन्यू ही नंबर की स्क्वायर की डिमांड करता कि भाई 2 का वर्ग कर लो एक जोड़ दो, 3 का वर्ग कर लो एक जोड़ दो, तो फिर यहां पर देखिए वो 4 का वर्ग करके एक जोड़ रहा होता, यहां पर 5 का वर्ग करके एक जोड़ रहा होता और यहां पर 6 का वर्ग करके एक जोड़ रहा होता। बात को समझना, इस क्वेश्चन में हो सकता है कि काम आए या ना आए, लेकिन जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे कहीं भी एग्जामिनेशन में या कहीं भी, तो बहुत काम की चीजें हैं ये जो बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुने, अगर आपसे एग्जामिनर कंटिन्यू नंबर की ही डिमांड करता कि 2 का वर्ग प्लस 1 करो, 3 का वर्ग प्लस 1 करो, तो यहां पर 4 का वर्ग प्लस 1 करा रहा होता, तो 4 का वर्ग 16 और 1 जब आप उसमें जोड़ते हैं तो 17 मिल रहा होता। जब आप ऑप्शंस पे देखते हैं तो कहीं भी 17 ऑप्शन में नहीं है, एग्जामिनर खुद कह रहा है। और फिर देखिए 7 से सीधा 11 पर जंप किया इसने, तो ये खुद जा रहा है कह रहा है एग्जामिनर नंबर्स के माध्यम से कि मैं सीक्वेंस में स्क्वायर नहीं डिमांड कर रहा आपसे, मैं कुछ स्पेशल नंबर्स हैं उन्हीं का स्क्वायर आपसे करवा रहा हूं, ठीक है। और वो नंबर्स क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर्स है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो बहुत अच्छे से बताया है। जब आप पढ़ेंगे इसमें वीडियोज में पीछे पड़े हैं वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ चीजें सीक्वेंस में, मैं यहाँ पर प्राइम नंबर बताने लगूंगा तो 10-15 मिनट तो उसी में ले लूंगा, फिर पढ़ाऊंगा क्या, ट्यूशन क्या करूंगा। इसलिए एक ही बार होंगी चीजें, या आप निश्चिंत रहें, मैं दोबारा कोई भी चीज नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से काम करता हूँ उस चीज पर। मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया आपको, अब शायद मिसिंग नंबर से पहले करवाया था नंबर सीरीज में, तो वहां पर जब मैंने प्राइम नंबर करवाया था तो बहुत अच्छे से करवाया था, मैंने बताया भी था कि ये बहुत जानदार कंसेप्ट है प्राइम नंबर का, आपको पता भी नहीं लगता और क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आपके लिए जो प्राइम नंबर है उसको वहां से देख सकते हैं, जो भी व्यूअर्स नए हैं तो पूरा सीक्वेंस में देखिए आप चीजों को, ठीक है, तभी कुछ समझ में आएगा भाई, नहीं तो भाई वो जो आप सोच रहे हैं वो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर्स तो होते हैं जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, मैं एक बार लिख देता हूं, दो तीन पांच सात ग्यारह 13, ये सब क्या है दोस्तों, ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर्स है जिनमें एक का ही भाग जा सकता है, इसके अलावा इनमें कोई भी संख्या का हम भाग नहीं दे सकते, वो सबके सब क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें खुद का और एक का, इन दो नंबर्स का भाग जाए, तो खुद का और एक का, तो ही ये प्राइम नंबर्स है। मैंने शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का और एक का भाग जा सकता है वो प्राइम नंबर्स हैं।
इसके अलावा इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता। अब देखिए आप दो लीजिए, दो में या तो दो का भाग दे सकते हैं या फिर एक का दे सकते हैं। तीन में देखिए, तीन में या तो एक का भाग दे सकते हैं या तीन का दे सकते हैं। 11 ले लिया आपने, तो 11 में या तो 11 का ही भाग दे सकते हैं आप, संख्या खुद का भाग दे सकते हैं और या फिर एक का भाग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्रेम होते हैं प्राइम नंबर, और एग्जामिनर ने इन प्राइम नंबर को ही उठाया है। भाई दो का वर्ग किया एक जुड़ा, तीन का वर्ग किया एक जुड़ा, फिर पांच का वर्ग किया करेगा वो, पांच का वर्ग करेगा उसमें एक जोड़ेगा, तो दोस्तों 25 प्लस एक कितना हो गया 26, और 26 जहां भी है वो हमारे सवाल का राइट ऑप्शन है, तो यहां आ जाएगा 26। ठीक है, देखिए दो का वर्ग प्लस एक किया, तीन का वर्ग प्लस एक किया, फिर पांच का वर्ग प्लस एक करेगा, फिर सात का वर्ग प्लस एक करेगा, फिर 11 का वर्ग प्लस एक करेगा, और अगर उसको और भी आगे लेके जाना है तो 13 का वर्ग प्लस एक करेगा, ऐसे करते हुआ वो आगे बढ़ेगा। तो एग्जामिनर ने क्या किया है इसमें, प्राइम नंबर्स स्क्वायर का तो सारा लिया है, लेकिन स्क्वायर भी कैसे प्राइम नंबर्स के स्क्वायर। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर किया एग्जामिनर ने और उनमें एक जोड़ा। ठीक है, फिर इस तरीके से सीक्वेंस सेट किया। ये सीजीएल का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा सवाल था, मैं समझाने के लिए इसमें 15 मिनट ले लिया। ठीक है, बाकी सवाल में कुछ दम था नहीं, इतना इजी सवाल था ये, समझाने के लिए देखिए टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी सीजीएल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से स्ट्रक्चर्स आए थे वहां पर एग्जामिनेशन में, और इस तरीके से ये एग्जिट ऑप्शन है जो मैं ले रहा हूँ, 97, 200, 907, 1097, 9107। ठीक है, और इस तरीके से नंबर्स दिए गए थे और यही फॉर्मेट था। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो जब आप दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, देखिए आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लगाना शुरू किया, तो यहां से तो आप लगा नहीं सकते क्लॉकवाइज रोटेशन, भाई यहां से तो आप लगा नहीं सकते। मैं चल जा, ठीक है, और जब आप दोस्तों क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, आपने क्या किया इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन देखा तो आपको पता लगा दोस्तों कि देखिए 2 है 17, 8, 137, और यहां आपको संख्या फाइंड आउट करनी है, तो बहुत आसान है। जब आप 2 से 17 पर जाना है तो आपको बहुत आसानी से आपको पता है कि मुझे 8 से गुना करना है। भाई 2 अंटे क्या होता है, 16 होता है, प्लस 1 जोड़ देंगे, 2 चार जोड़ना 2 चार घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चलता रहेगा सिलसिला। ठीक है, यादों का कारवा है, ये चलता रहेगा साथ साथ। ठीक है, 2 चार जोड़ना बढ़ाना घटाना ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो 2 से जब आप 17 पर जाते हैं तो आपने क्या किया, इसको 8 से गुणा किया प्लस 1 किया, तो 2 अंटे 16 प्लस 1 दोस्तों आपने किया तो आ गया 17। 8 से आप क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए 8 बैठा है। ठीक है, ये भी आप लॉजिक ले सकते हैं, बाकी और भी तरीका आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कि आपने क्या किया, इसको 2 से मतलब इसको गुणा कर दिया 2 को 8 से, प्लस 1 ऐड कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों जब आपने 17 से 137 पर जा रहे हैं तो 17 अंठे होता है दोस्तों 137। मैंने आपको फिर कहा था, बहुत बार बोला है कि आप पहाड़े याद कीजिए, आप हवाबाजी में मत रहिए, आप पहाड़े जो मल्टीपल हैं हमारे 50 तक उनको याद कीजिए, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, फिर भी नहीं करते हो तो मत कीजिए भाई, तुम्हारी मर्जी है, हमारे को तो जो बताना था मेरे को मैंने बता दिया। ठीक है, जब आप दोस्तों 17 को इस 8 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 136, और फिर आपने क्या किया इसमें 1 ऐड कर दिया। भाई सीरीज ऐसी तो चल रही है, भाई 17 को आपने 8 से गुणा किया प्लस 1 किया, तो 17 अंठे क्या होता है 136 प्लस 1, तो कितना आ गया 137। या फिर आप इस तरीके से बढ़ सकते हैं, या फिर बाहर बाहर से बढ़ सकते हैं क्लॉकवाइज, या फिर आप इस तरीके से जैसे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। फिर आपको अगर और आगे बढ़ना है दोस्तों, तो फिर आपको पता लगा कि मुझे क्या करना है, 137 को भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 137 को जब आप 8 से गुणा करते हैं तो फिर आप 137 का पारा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, जो आपके पास मेथड्स हैं
आठ से जब आप गुणा करेंगे दोस्तों, तो 8 × 7 = 56, 5 बचा 8 × 24 = 24, 25 × 29 = 2, 8 × 2 = 10, तो 1096 आपको मिलता है जब आप इसको 8 से गुणा करते हैं। और आपको 8 से गुणा करके ही नहीं छोड़ना, क्योंकि सवाल देखिए आप गुणा कर रहा है 8 से, फिर एक जोड़ रहा है, आपको भी 8 से गुणा करना है, एक जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 1096 + 1, तो ये मिला आपको 1097। ठीक है, यही आपके सवाल का क्या है, राइट ऑप्शन है 1097। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं दोस्तों, कि आपने क्या किया, 137 को 8 से गुणा किया, फिर इसमें क्या किया, एक जोड़ा। ठीक है, इस तरीके से भी आप सीरीज को बना सकते हैं, ये श्रृंखला है, ऐसे ही बनती रहेगी, जुड़ती रहेगी, टूटती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप मल्टीपल याद कीजिए, देखिए कैसे काम आया यहां पर 17 का मल्टीपल। ठीक है, देखिए 2 से 17 पर आना है, तो आपने क्या किया, 8 से गुणा किया, तो 2 × 8 = 16, 1 = 17 हो गया। फिर आपने 17 से, ठीक है, 17 से 136 पर जाना है, 137 पर जाना है, तो 17 × 8 = 136 होता है, प्लस 1 ऐड किया, तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, गुना 8 कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं, उसमें गुना 8 कर रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं, बस ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए हम डमरू का यूज करके आंसर को निकाल सकते हैं। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए दोस्तों, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे और वीडियोज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इनको करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।